रथ में गुरु की वंदना, आद गणेश मनाऊं, अमर कथा बाबा लाल की सबको आज सुनाऊं। मुगलों ने जब जुलम करन की दिल में आठ सिठानी, चली कटारे मजलूमों पर खून बहा जो पानी, चली कटारे मजलूमों पर खून बहा जो पानी। लोक में जाओ, जाकर के उन पापियों को अब धर्म की राह दिखलाओ। रूप धरा अब बाबा लाल का मात लोक में आए, दर्शन करके मात पिता के मन इच्छा फल पाए। चरावन जाए बैठा के सारे संगियों को अब धर्म की राह दिखलाए, बैठा के सारे संगियों को अब धर्म की राह दिखलाए। रमते रमते चेतन स्वामी संग शिष्यों के आए, देख के बाबा लाल को अपने मन में वो मुस्काए। बोले स्वामी बच्चों में से एक को राशन लाओ, खिला के भोजन हम संतों को मन चाहा फल पाओ, खिला के भोजन हम संतों को मन चाहा फल पाओ। सुनकर वाणी संतों की सब बालक घर को आए, देकर चावल संतों को फिर मन ही मन हर्षाए। योग अग्नि से प्रगट करके बच्चों को दिखलाया, उस अग्नि से स्वामी ने था चावल का भोज पकाया, उस अग्नि से स्वामी ने था चावल का भोज पकाया। पाके भोजन संतों ने फिर ब्रह्म अन्यथा किया, तीन चावलों का स्वामी ने लाल जी को प्रसाद दिया। मिलन की आशा जागी दिल में, चले गुरु को पाने, मिले गुरु ना जब कहीं को तो सोचा वापस घर जाए, मिले गुरु ना जब कहीं को सोचा वापस घर जाए।
मात पिता बैकुंठ सिधारे, मन में हुई उदासी। अब गुरु के दर्शन की बस आंखें थी प्यासी। ढूंढते ढूंढते आए शादरे, गुरु का दर्शन पाए। रावी के तट पर करके दर्शन, चरणी शीश झुकाए। चेतन स्वामी लाल को देख के धीमे से मुस्काए। सबको तारण वाला भगवन खुद ही मेल मिलाए। चेतन स्वामी हर जगह पर लाल को संग ले जाते, संतों का मार्ग समझाते, भगवन नाम जपाते। संतों का मार्ग समझाते, भगवन नाम जपाते। स्वामी देके भिक्षा लाल को नगर कोट सिधारे। भ्रमण करके बाबा लाल जी पहुँचे गंगा किनारे। कर स्नान गंगा मैया का सहारनपुर में आए। करके तपस्या सतगुरु जी ने 100 साल बिताए। करके तपस्या सतगुरु जी ने 100 साल बिताए। योग शक्ति से स्नान करने हरिद्वार नित जाए। दोनों जगह के लोग रोज ही लाल के दर्शन पाए। दोनों जगह के लोग रोज ही लाल के दर्शन पाए। शाह जी फरमाए, अगर ये शक्तिशाली है तो गंगा को प्रगटाए। अगर ये शक्तिशाली है तो गंगा को प्रगटाए। सुनकर बोली शाह जी की करमंडल उलटाया। योग शक्ति के साथ गुरु ने गंगा को प्रगटाया। योग शक्ति के साथ गुरु ने गंगा को प्रगटाया। देख के शक्ति बाबा लाल की काज शरणी आया। धन है बाबा लाल तू धन है तेरी माया। धन है बाबा लाल तू धन है तेरी माया। सुन के लाल जी करामात को लोग थे चल के आए। जो भी दर्शन पाए वो ही जीवन सफल बनाए।
जो भी दर्शन पाए वो ही जीवन सफल बनाए। चर्चा की ये अपने मन में सतगुरु थे फरमाए, जाके कहीं एकांत में बैठूं मन उनका ये चाहे, जाके कहीं एकांत में बैठूं मन उनका ये चाहे। बाबा लाल जी चले वहाँ से कलानौर में आए, किरण किनारे तपस्या करके साल 84 बिताए, किरण किनारे तपस्या करके साल 84 बिताए। मन में ध्यान ये आया, कायाकल्प योग से जी कर बालक रूप बनाया, कायाकल्प योग से जी कर बालक रूप बनाया। बीत गए कुछ साल वहाँ फिर मन में ख्याल ये आया, ढूंढू जगह कोई और ये ध्यान दास को फरमाया, ढूंढू जगह कोई और ये ध्यान दास को फरमाया। चले थे ध्यान दास, चलते चलते पहुंच गए वो एक टिल्ले के पास, चलते चलते पहुंच गए वो एक टिल्ले के पास। नजर दौड़ाई दूर दूर तक कोई नजर ना आया, बाबा लाल के भजन करन को यही जगह मन भाए, बाबा लाल के भजन करन को यही जगह मन भाए। विचार ये अपने मन में लेकर पास गुरु के आए, जगह एकांत देखी है मैंने हाथ जोड़ फरमाए, जगह एकांत देखी है मैंने हाथ जोड़ फरमाए। बाबा लाल जी चल पड़े फिर ध्यान दास के साथ, आखिर पहुंच गए वो जाके उस टिल्ले के पास, आखिर पहुंच गए वो जाके उस टिल्ले के पास, आखिर पहुंच गए वो जाके उस टिल्ले के पास।
उस टिल्ले पे बैठ के सतगुरु लो समाधि लगाई। आने लगे सब साधु संत और शोभा हर जगह छाई। आने लगे सब साधु संत और शोभा हर जगह छाई। सुन के शोभा बाबा लाल की दारा शिकु ने विचारा, भेजूं दूत बुला कर लाए होए मिलन हमारा, भेजूं दूत बुला कर लाए होए मिलन हमारा। शहर लाहौर में आए बाबा लाल दयाल के दारा शिको ने दर्शन पाए। बाबा लाल दयाल के दारा शिको ने दर्शन पाए। दारा शिको ने देख के शक्ति चरणी शीश झुकाए, शाहजहां भी सुन कर शोभा दर्शन को चल आए। जगदीश दास को औरंगजेब ने अपने पास बुलाया, बुला कर लाओ बाबा लाल को औरंगजेब फरमाया, बुला कर लाओ बाबा लाल को औरंगजेब फरमाया। देख के शक्ति बाबा लाल की दीक्षा उसने ली, मुर्दा बच्चा जिंदा करके परीक्षा अपनी दी, मुर्दा बच्चा जिंदा करके परीक्षा अपनी दी। एक रात बाबा लाल दयाल के मन में विचार ये आया, बुलाकर अपने सब शिष्यों को मुख से ये फरमाया, बुलाकर अपने सब शिष्यों को मुख से ये फरमाया। चोला हमारा तालाब में जाके धोबो और सिखाओ, सुबह होते ही धो लाएंगे गुरुजी अब सो जाओ। पर जब सुना गुरुमुख दास ने उसने वचन निभाया, गुरु का चोला ले जा करके धोया और सुखाया, गुरु का चोला ले जा करके धोया और सुखाया। देख के सेवा गुरुमुख दास की लाल जी ने ये सोचा, इस गद्दी का अगला वारिस गुरुमुख दास ही होगा, इस गद्दी का अगला वारिस गुरुमुख दास ही होगा। पर
गुरमुख दास बिठाए, गद्दी सौंप के ध्यानपुर की ज्योति ज्योत समाए, गद्दी सौंप के ध्यानपुर की ज्योति ज्योत समाए। गुरमुख दास जी दया राम को गद्दी पर बिठलाया, दया राम ने गुरुचरण दास को चरणों में लगाया। पांचवी गद्दी राम सहाये, भजन राम का किया। छठी गद्दी लाल दास ने नाम का अमृत पिया। सातवीं गद्दी शीतल दास ने मन को शीतल की ना, हर भजन दास बलराम राघव को नाम का अमृत दीना, हर भजन दास बलराम राघव को नाम का अमृत दीना। ग्यारहवीं गद्दी बाबा जी हर नाम को शिष्य बनाया, पंद्रह साल की आयु में था मन भजन में लगाया, पंद्रह साल की आयु में था मन भजन में लगाया। करके भक्ति सतगुरु जी ने शक्ति को प्रगटाया, सेवकों के दुख हर करके बाबा लाल का यश फैलाया। पुत्र रतन की कामना लेकर लोग लगे जब आने, जिसकी खातिर बावन की पर प्रतिष्ठा लगे कराने, स्नान करके चौपावली में गोदी लाल खिलाए, अपनी खाली गोदी भर कर जय जय लाल बुलाए, अपनी खाली गोदी भर कर जय जय लाल बुलाए। भक्तों की खातिर ये अपना जीवन दान था दीना, सुदर्शन जी को गद्दी देके राज तिलक था कीना, सुदर्शन जी को गद्दी देके राज तिलक था कीना। साठ साल की गद्दी छोड़ी ज्योति ज्योत समाए, सुख पाए समाधि पर जो आके शीस झुकाए। सुदर्शन दास महंत से बोले, सबकी भलाई कर दे, जो निश्चय से माथा टेके उसकी झोली भरते, जो निश्चय से माथा टेके उसकी झोली भरते। सुदर्शन जी ने एक दिन अपना भोलापन दिखलाया, खाली गद्दी छोड़ चले थे किसी को ना बतलाया,
खाली गद्दी छोड़ चले थे, किसी को ना बतलाया। द्वारका दास जी वहां से चल के ध्यानपुर में आए, सेवकों के वो मन को भाए, गद्दी पर बिठलाए। सेवकों के वो मन को भाए, गद्दी पर बिठलाए। भ्रमण किया था जगह जगह पर, सबका उद्धार किया। पहला के शोभा बाबा लाल की, यश था सबसे लिया। पहला के शोभा बाबा लाल की, यश सबसे लिया। विष्णु यज्ञ की खबर सुनी, संगत चल के आई। यज्ञ हुआ संपूर्ण, संगत देने लगी बधाई। यज्ञ हुआ संपूर्ण, संगत देने लगी बधाई। सेवकों को उत्साह देकर कई लाल द्वारे बनाए, जलंधर दिल्ली जमुना नगर में अपने चरण जपाए। जलंधर दिल्ली जमुना नगर में अपने चरण जपाए। धन धन करते लोग देख के ध्यानपुर का द्वारा, सबसे ऊंचा दिखता सबको सच्चा लाल द्वारा। सबसे ऊंचा दिखता सबको सच्चा लाल द्वारा। भगत नारायण के नारायण ध्यानपुर में आए, सत्यवादी समझ के सतगुरु गद्दी पर बिठलाए। दीनी बोली जाग में उड़ती, निर्मल मन के स्वामी, सबके दिलों की जानने वाले ये हैं अंतर्यामी। सबके दिलों की जानने वाले ये हैं अंतर्यामी। अमर कथा मैं बाबा लाल की खुलकर आज सुनाई, बाबा लाल के सब भक्तों को लख लख होवे बधाई। बाबा लाल के सब भक्तों को लख लख होवे बधाई। बाबा लाल के सब भक्तों को लख लख होवे बधाई।